जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फायदेमंद। तो दोस्तों, मैं बहुत सी अच्छी जानकारी लेकर आता रहता हूँ जो आपके लिए और आपके अपनों के लिए फायदेमंद होती है। तो आज मैं एक जानकारी लेके आया हूँ, वो जानकारी है CDS का आदेश, लाखों जवानों की नौकरी पड़ी खतरे में। तो आखिर में ये न्यूज क्या है, ये न्यूज क्या कहना चाहती है? तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ, और जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अच्छी और नई न्यूज के साथ में मैं सदैव आप लोगों के साथ में बना रहूं। तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। मिलिट्री रिफॉर्म, सेना में कम होंगे 1 लाख जवान, CDS ने संसदीय समिति से कही बड़ी बात। इंडियन आर्मी न्यूज, टूथ टू टेल अनुपात को कैसे कम किया जाएगा? स्टैंडिंग कमेटी के इस सवाल पर CDS ने मौखिक जवाब में बताया कि 3 से 4 साल में करीब 1 लाख सैनिकों को कम करने का लक्ष्य है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं। 3 से 4 साल में 1 लाख सैनिकों को कम करने का लक्ष्य, CDS जनरल विपिन रावत ने दी ये जानकारी। संसद की स्टैंडिंग कमेटी को CDS ने बताई योजना, कहा हमारा ज्यादा फोकस पैदल सैनिकों पर है। भारतीय सेना में आने वाले 3 से 4 साल में 1 लाख सैनिक कम हो जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने इस लक्ष्य के बारे में संसद की स्टैंडिंग कमेटी को बताया। स्टैंडिंग कमेटी में CDS जनरल रावत ने कहा कि जब जनरल VP मलिक आर्मी चीफ थे, तब उन्होंने 50,000 सैनिक कम करने की सोची थी। हमारा लक्ष्य अगले 3 से 4 साल में करीब 1 लाख सैनिक कम करने का है। जनरल रावत ने कहा कि इससे जो पैसा बचेगा, इसका इस्तेमाल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। सरकार ने भी सेना को इस रकम के तकनीक में इस्तेमाल का आश्वासन दिया है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पिछले महीने संसद में पेश की गई। क्या है टूथ टू टेल रेशियो? भारतीय सेना में रिस्ट्रक्चरिंग, ढांचागत बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दिल्ली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर से भी ऑफिसर्स को कम कर फील्ड में भेजने की योजना पर काम चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी को सेना के टूथ टू नेल रेशियो के बारे में भी बताया गया। टूथ टू टेल रेशियो सैन्य कार्रवाइयों में भाग लेने वाले और उनके लिए रसद आदि पहुंचाने वाले सैनिकों के बीच के अनुपात को कहा जाता है। अगर टेल यानी सीधी सैन्य कार्रवाई में भाग लेने वाले सैनिकों की तादाद ज्यादा होगी, तो असल सैन्य कार्रवाइयों के लिए जरूरी सैनिकों की तादाद में कमी आती जाएगी। इसलिए अगर सैन्य कार्रवाइयों के लिए जरूरी सैनिकों की संख्या ज्यादा रखनी है, तो टेल को कम करना होगा। टूथ टू टेल अनुपात को कैसे कम किया जाएगा? स्टैंडिंग कमेटी के इस सवाल पर CDS ने मौखिक जवाब में बताया कि 3 से 4 साल में करीब 1 लाख सैनिकों को कम करने का लक्ष्य है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं। जवानों की संख्या में कटौती का यह है मकसद। CDS ने स्टैंडिंग कमेटी को यह भी बताया कि हम तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हम ज्यादा पैदल सैनिकों, इन्फेंट्री सैनिक पर फोकस कर रहे हैं। वही असल में बॉर्डर की निगरानी करते हैं। हमारी प्राथमिकता उन्हीं के आधुनिक राइफल देना है। हम उन्हें आधुनिक सर्विलांस सिस्टम देना चाहते हैं। हम उन्हें ज्यादा सक्षम बनाने के लिए ज्यादा तकनीक देना चाहते हैं। CDS ने कहा कि हम अपने लॉजिस्टिक टेल को कम करने के लिए IBG कंसेप्ट पर जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, छोटी छोटी टुकड़िया होगी जिसमें युद्ध करने की क्षमता होगी, लेकिन इनकी लॉजिस्टिक टेल छोटी कर दी जाएगी। लॉजिस्टिक टेल को कम करने के लिए हम उसे आउटसोर्स कर देंगे। CDS ने स्टैंडिंग कमेटी को उदाहरण देते हुए बताया कि जिस कंपनी की गाड़ी भारतीय सेना में इस्तेमाल की जा रही है, उन्हें अपने वर्कशॉप में रिपेयर करने की बजाय कंपनी के वर्कशॉप से रिपेयर कराया जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा ज्यादा फोकस आउटसोर्सिंग पर है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कि किस प्रकार से सेना से जवान कम किए जाएंगे, कि जो उन जवानों की तादाद बढ़ाई जाएगी जो पैदल सैनिक हैं, और उन जवानों की तादाद घटाई जाएगी जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके लिए रसद सामग्री पहुंचाते हैं। तो CDS विपिन रावत का यह लक्ष्य कि अभी आने वाले 3 से 4 साल में 1 लाख जवानों को कम किया जाएगा।
तो दोस्तों ये जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई, तो कृपया करके जानकारी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि अच्छी और नई न्यूज के साथ में मैं आपके साथ में बना रहूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।